भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे और आपके पितर आपसे प्रसन्न रहे और तृप्त होकर ही वो पितृलोक को गमन करे, क्योंकि अश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष होता है यानी भादो की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृ पक्ष कहलाता है। और इस बार पितृ पक्ष का आरंभ 20 सितंबर 2021 से हो चुका है, जो कि 6 अक्टूबर 2021 तक निरंतर चलेगा। वैसे तो पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, कनागत भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग कड़े दिन के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं, लेकिन पितृ पक्ष जो कि पितरों की आराधना का, पितरों की पूजा का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और जब मनुष्य के ऊपर पितरों की कृपा होती है तो उसके जीवन में खुशहाली आने लगती है, उसके जीवन की उन्नति तथा प्रगति निरंतर होने लगती है। पितृ पक्ष में यदि आपको ये 7 संकेत मिलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली, और आपका भाग्य यदि अभी तक नहीं खुला है तो वो भी आपका खुलने वाला है। यानी ये शुभ संकेत आपको बताएंगे कि आपको पितरों की कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जो समस्याएं उत्पन्न होती है, वो अधिकतम पितृ दोषों के कारण ही उत्पन्न होती है। और जब हमारे पितृजन, हमारे पूर्वज आकाश मंडल से यानी पितृलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो श्राद्ध के समय निरंतर 16 दिनों तक हमारे घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं। जब हम उनके लिए जलांजलि प्रदान करते हैं, तर्पण देते हैं, पिंड दान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, गौ माता को ग्रास देते हैं, या कव्वे कुत्ते या चीटियों को, मछलियों को ग्रास देते हैं, तो इस तरह हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं। यानी इनके माध्यम से ही पितर भोजन स्वीकार करते हैं। और जब पितर तृप्त होते हैं तब हमारे परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, और जब पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तो घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी और पितरों का भरपूर आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। तो पितृ कृपा के ये जो संकेत है वो यदि आपको पितृ पक्ष में प्राप्त होते हैं तो समझिएगा कि पितरों की भरपूर कृपा आपके जीवन पर होने वाली है और आपका भाग्य जल्द ही बदलने वाला है। तो सबसे पहला संकेत है, यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो बहुत कठिन है लेकिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता से वह कार्य संपन्न हो जाता है तो समझिएगा कि पितृ कृपा का एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जो वरिष्ठ जन होते हैं वो भी एक प्रकार से पितृ का स्वरूप ही माने जाते हैं। और वरिष्ठ लोगों की सहायता प्राप्त होना, बुजुर्ग लोगों की मदद हमको मिलना, ये पितृ कृपा का एक बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत है, आप बहुत दिनों से घर खरीदने का सोच रहे हैं या फिर वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, और यदि इन श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आपको घर खरीदने का अवसर प्राप्त हो जाता है या फिर आपको वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त हो जाता है तो यह भी पितृ कृपा का एक बड़ा संकेत है। आप समझिएगा कि पितरों की कृपा से ही आपको अपने निवास स्थान में प्रवेश करने का अवसर मिलने वाला है या नया वाहन आपको प्राप्त होने वाला है। ये पितरों की कृपा का ही एक अद्भुत और दुर्लभ संकेत है। तीसरा संकेत है, कोई व्यक्ति आपका पैसा दबाकर बैठा हुआ है, आपका पैसा रुका हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा है, पैसा देने में आनाकानी कर रहा है। यदि इन पितृ पक्ष के दौरान आपको पैसा देना शुरू करता है या फिर आपको पैसा दे देता है तो आप समझिएगा कि पितरों की कृपा से ही उस व्यक्ति का मन और हृदय परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण उसके मन में आपको पैसा देने की इच्छा प्रकट हुई है। यह भी पितृ कृपा का ही एक अद्भुत और दुर्लभ संकेत है। आप कोई नौकरी की तलाश में हैं जो आपको नहीं मिल पा रही है, आप अपने रोजगार के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं,
आप अपने व्यापार के लिए, कार्य के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है। यदि इन 16 दिनों के अंदर पितृ पक्ष के दौरान आपको नौकरी मिल जाती है या फिर आपको व्यापार मिल जाता है या आपका कामकाज अच्छा चलने लगता है, तो आप समझिएगा कि पितरों की कृपा से ही आपको उत्तम कार्य की प्राप्ति हो गई है, अच्छी रोजगार की प्राप्ति हो गई है। यदि आपके घर परिवार में किसी के विवाह में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न हो रही है, लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है और पितृ पक्ष में अचानक कोई रिश्ता आता है या फिर विवाह संबंधी कोई चर्चा बहुत तेजी से चलने लगती है, तो आप समझना कि पितरों की कृपा से ही आपके बच्चों का विवाह का योग बनने वाला है, यानी पितरों की ही एक अद्भुत कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसके साथ ही आपके घर परिवार में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं मिल पाया है, यानी आपके घर में बच्चों का जन्म नहीं हो पा रहा है, आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन यदि पितृ पक्ष में आपके घर परिवार में संतान प्राप्ति का अवसर आपको प्राप्त होता है, तो यह भी पितृ कृपा का ही एक अद्भुत और दुर्लभ संकेत है। आप समझिएगा कि पितरों के आशीर्वाद से ही, उनकी कृपा से ही आपके घर संतान की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ आपका बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर है, उसके परीक्षा परिणाम बहुत ज्यादा खराब आते हैं, और यदि पितृ पक्ष में उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है या फिर पढ़ाई संबंधी कोई भी खुशखबरी उसको अचानक मिलने लगती है और पितृ पक्ष में शिक्षा संबंधी कोई भी कार्य यदि आपके बच्चों का होता है, तो निश्चित समझिएगा कि यह पितरों की कृपा का ही एक अद्भुत संकेत है। और पितृ जब देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो वो सब कुछ छीन लेते हैं। और यदि आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, कोई शारीरिक कष्ट है और अचानक वह ठीक होने लगता है, तो यह भी पितृ कृपा का ही एक बड़ा संकेत है, क्योंकि पितृ जब मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं तो वह सुखी और स्वस्थ रहने का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ यदि आपके घर में पितृ पक्ष के दौरान कोई भी नई वस्तु आप लेकर आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेकर आते हैं, तो वो भी पितृ कृपा का ही एक संकेत है। पितरों की कृपा से ही वह सामान आपके घर में आ रहा है। इसी के साथ कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा आपका बहुत दिनों से पेंडिंग वर्क है जो नहीं हो पा रहा है, और अचानक यदि पितृ पक्ष में वह बनने लगे, वह होने लगे, तो आप समझ लेना कि पितरों की कृपा ही आपके ऊपर हो रही है और आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा उससे लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा आपको यदि अचानक पितृ पक्ष में कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, कहीं से बहुत सारा रुपया पैसा आपको मिलने लगे, आपकी आमदनी में अचानक बढ़ोतरी यदि पितृ पक्ष में हो जाती है, तो यह भी पितृ कृपा का ही एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा यदि पितृ पक्ष में आपको रात्रि के समय सपने में नाग देवता या सांप दिखाई देते हैं, तो यह भी पितृ कृपा का ही एक संकेत है। इसी के साथ यदि आपके मृतक परिजन, पूर्वज यदि पितृ पक्ष में आपको स्वप्न में आते हैं, तो वो भी उनकी प्रसन्नता का ही संकेत है। वो आकर कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल हर कदम पर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि पितृ पक्ष में उनके लिए जलांजलि प्रदान करे, उनके लिए तर्पण करे, उनके लिए पिंड दान करे और उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाए, उनके लिए ब्राह्मणों को दान करे, उनके नाम से दान पुण्य जो भी करेंगे वो सीधा सीधा उनको प्राप्त होगा और जीवन में आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, हर कदम पर पितरों का सपोर्ट आपको प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब भी हम अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करें, जैसे विवाह करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या फिर नामकरण संस्कार करते हैं या अन्य कोई भी बड़े या शुभ मांगलिक कार्यक्रम करते हैं,
तो उसके पहले पितरों का श्राद्ध हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिसे नांदी श्राद्धम कहा जाता है। नांदी श्राद्धम वैसे तो 21 दिन पूर्व हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि पितरों को जब आप तृप्त कर देंगे तो आपके जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं, शुभ कार्यक्रम हैं, उसमें पितरों की कृपा तथा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए आप यदि पितरों की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पितरों के निमित्त धूप लगाना चाहिए, बिना नमक की रोटी तैयार करके, अग्नि का कंडा तैयार करके और उसको पानी के स्थान के समीप रख करके आपको 5 आहुति देना चाहिए। इसी प्रकार पितरों की शांति के लिए गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता को घास खिलाना चाहिए, गौ माता को हरी घास के साथ साथ हरी सब्जी भी आप खिला सकते हैं, गौ माता को गुड़ और तिल भी आप खिला सकते हैं, इसके अलावा गौ माता के लिए घास आदि वस्तुओं के लिए दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। और कुत्ते को आपको पितृपक्ष में रोटी खिलाना चाहिए तथा आपको पितृपक्ष के दौरान कौवे को भी ग्रास देना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां चुगाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन करके उनको अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान या जो भी आपकी हैसियत हो, श्रद्धा हो, उसी के अनुरूप आपको पितृपक्ष में ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान जो भी आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वो सीधा सीधा आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। जब उनको तृप्ति मिलेगी तब आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त होने लगेंगे, और जब पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तो घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और जीवन में खुशहाली अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आप सभी को पितरों के निमित्त पितृपक्ष में कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितर वायु रूप में हमारे घर के आसपास आ जाते हैं। हमारे परिजन हमसे इन 16 दिनों में अपेक्षा करते हैं कि मेरे पुत्र पौत्रादिक जितने भी परिवारजन हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमारे तृप्ति के लिए कुछ न कुछ कर्म अवश्य ही करेंगे। जब उनकी तृप्ति के लिए आप कर्म करते हैं तो वो उनको प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन जब आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में वो असंतुष्ट रहते हैं, यानी अतृप्त रहते हैं। जब उनकी आत्मा अतृप्त रहेगी तो उनकी आत्मा से आपको आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी मिल सकता है। इसलिए यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, मृत पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको पितृ पक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान, कनागत के दौरान उनका विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, उनके लिए आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। माताएं बहनें भी चाहे तो पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर सकती है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी घर में यदि कोई पुरुष पिंडदान या तर्पण नहीं कर पाता है और किसी पिता के पुत्र नहीं होते हैं तो उनकी पुत्रियां या बेटियां या नाती पोतियां भी उनके लिए पिंडदान कर सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। यानी माताएं बहनें महिलाएं भी पिंडदान कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा पितृपक्ष में आपको विशेष रूप से एक ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष पवित्र जो है समय होता है और इस पवित्र समय में सभी को पितरों के निमित्त विशेष कर्म करना चाहिए। लेकिन कई लोगों के मन में एक धारणा है कि पितृपक्ष के दौरान, कनागत के दौरान भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। इस प्रकार आप यदि करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि भगवान का पूजन अर्चन तो नित्य प्रति करना ही चाहिए। प्रभु की सेवा आपको करना ही चाहिए, उनको स्नान, चंदन, पुष्प इत्यादि नित्य प्रति का पूजन अर्चन आपको करना ही चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे दिनों में जैसे आप पूजन करते हैं उसी प्रकार आपको पूजन अर्चन करते रहना चाहिए और सूर्य भगवान को जल भी अर्पित करना चाहिए। सुबह शाम दीपक आरती जो भी आप कर्म करते हैं वो सभी आपको पितृपक्ष के दौरान भी करना ही चाहिए। लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और जिस दिन आपको श्राद्ध करना है उस दिन आप पितरों की प्रसन्नता के लिए यदि शेविंग और कटिंग नहीं करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन किसी कारणवश आपको शेविंग और कटिंग करवाना बहुत आवश्यक होता है तो करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो टाल भी सकते हैं। इसी के साथ पितृ श्राद्ध के दिन यानी पिता या माता का या किसी भी परिजन का आप श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध के दिन आपको जो है नाखून नहीं काटना चाहिए और ब्राह्मण को बुला करके उनको बैठा करके उनके चरण धोना चाहिए। पितृ श्राद्ध में मसूर की दाल का, लहसुन प्याज का, अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करके ब्राह्मण को भोजन करवाने से पितरों को अत्यधिक तृप्ति प्राप्त होती है। और यदि आप गयाजी में जाकर के पितरों का श्राद्ध कर चुके हैं तो फिर आपको घर में उनके नाम तथा गोत्र से श्राद्ध या तर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो समस्त पितरों के निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं, उनके नाम से भोजन भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको उनके नाम तथा गोत्र से उनका आवाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन पितरों को आप मुक्ति दे चुके हैं, जिनको मोक्ष प्राप्ति के लिए आप गया जी पहुंचा चुके हैं, उनको फिर से बुलाने का मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है और बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो परम धाम को, परम गति को, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। आप चाहें तो सर्व पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान पुण्य आप अवश्य ही कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पितृ पक्ष के निमित्त अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, पिंड दान करवाना चाहते हैं, महालया श्राद्ध करवाना चाहते हैं, सपिंडी करवाना चाहते हैं, नारायण बलि करवाना चाहते हैं और भी पितरों के निमित्त पितृदोष शांति या अन्य कर्म करवाना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में यदि आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर ब्राह्मणों को वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।